हो गई रेडी? इसका लाल वाला पहन ले, वो एक और भी तो था दूसरे वाला रेड कलर का टी शर्ट तेरा। बारिश आ रही है क्या? ओह गाइस, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा सामान लेने के लिए मतलब, और मम्मी की मतलब मेडिसिन भी लेनी है तो मेडिकल से वो भी ले आएंगे, और मम्मी का एक तो शुगर टेस्ट भी कराना है तो हम शुगर टेस्ट भी करा लेंगे मम्मी के साथ के साथ। थोड़ा सा आगे जाके एक मतलब है एक क्लिनिक, वहाँ पे मम्मी का शुगर वगैरह टेस्ट करा कराते हैं। अभी बस तलनी हो जाए रेडी तो फिर जा रहे हैं, थोड़ा सा सामान लेकर आने, क्योंकि सामान थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेकर आएंगे और तो क्या है। और ये इसको ये देखो पूछ भी ला रहा है अपनी, और इसको लग रहा है कि ये जाने वाले हैं साथ में। बट रोशित तूने साथ नहीं जाना। कौन सी टॉप? वहाँ उस वाली साइड पे चाहिए। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी तो थोड़ा फेस धो लिया था, बट इसलिए ना थोड़ी सी शक्ल ऐसी ही लग रही है। शाम का मौसम हो रखा है और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बारिश वाला हो रखा है, बट पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद वहाँ नीचे जाए हम और बारिश आने लग जाए ऐसा तो। हाँ ये वाला टॉप सही लग रहा है। हाँ तो सही तो है ये वाला रेड। चलो चलो मम्मा, मम्मी को भी थोड़ा मतलब लेके जा रहे हैं थोड़ा। हाँ मम्मी का तो शुगर टेस्ट कराना है इसलिए लेके जाना ही पड़ेगा ना साथ में। मैं भी बेवकूफ हुआ, मैंने कहा मम्मी को भी लेके जाना है हमें साथ में, मतलब मम्मी का तो शुगर टेस्ट कराना है तो लेके तो जाना ही पड़ेगा ना मम्मी को। चलो भाई चलो निकलो, चलो चल यार, चलो मैं लेने आई हूँ। गेट तक तो पहुंचो। जो हमने सोफे के कवर लिए थे वो वाले जो कवर है ना, हम ना उसे रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब है ना मुझे तो चढ़ाने नहीं आए और इतने ज्यादा मतलब खास भी नहीं लगे, बट ठीक थे जैसे भी थे मतलब, तो हमने ना रिटर्न कर रहे हैं, हमें ना पसंद नहीं आ रहे इतने, क्योंकि वो चढ़ाने आ गए थे बट ना वो अच्छे नहीं लग रहे थे इतने, क्योंकि वो ना उसके कुशन्स के साथ आ नहीं रहे थे। वो कुशन्स के मतलब जो उसके कुशन है ना सोफे के कुशन के साथ नहीं आ रहे थे वो ना, मतलब गंदे लग रहे थे। मीन्स अगर हम कुशन लगा देते थे तो वो मतलब अजीब सा ही था, ऐसा लग रहा था पता नहीं हमने क्या लगा दिया वो सोफे पे। मतलब अभी ऐसे ही ठीक है, अभी कंफर्म भी नहीं है, अभी हमारा रिटर्न अभी मतलब इनके कवर का ना रिटर्न का भी कोई मतलब वो नहीं है, कंफर्म होएगा कंफर्म है या नहीं है देखते हैं। वैसे तो हो ही जाएगा, रिटर्न पॉलिसी नहीं थी डोली, मैंने देखा नहीं था। बता जरा, तूने देखा ही नहीं और रिटर्न पॉलिसी नहीं थी उसकी? चलो तो अभी जा रही, मैंने थैला वाला ले लिया है, चलते हैं। ये कैसी बात है, रोशे मारे इसको वो नहीं खोल के दी बालकनी। और शिट यार बारिश होने लगी नीचे आते ही, अब वापस जाना पड़ेगा पागल, बारिश होगी तो नहीं आते हैं। बताओ बारिश तो आने ही शुरू हो गई है, अभी लाइट फट गई है, थोड़ी देर में जाए, थोड़ी देर में तो बारिश हो जाएगी, मतलब जाने का कोई फायदा ही नहीं है फिर तो। और मैं नहीं जा सकते, तो और मैं चले जाते हैं फिर, और क्या करते हैं मम्मी को फिर शुगर टेस्ट करना हो रहा है। हां तो नो, चलो एक बार मम्मी को छोड़ देते हैं या तो मैं भी छोड़ देती हूं। हां आपको कर लीजिए होगी शुगर टेस्ट, रखने वाली हूं पता लगे एकदम से वैक्सीन ओ है ना। बारिश आती तो लाइट भी चली जाती है ना, कि बारिश शुरू हो गई है पहले तो रोन को घुमाने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है, जाने का है भी या नहीं है। बोलने के बड़े मजे से, तो रखेंगे रोशो यहां बांध दे। अरे इसको ले चलते हैं, फिर नहीं गंदा हो जाएगा, फिर मेरे लिए काम बढ़ जाता है बहुत। पहले तू रोशो नो बोल के ले जाएगी, बोल रख के चला नो, पहले बोल रख, बिना बोल के बोल रख दे, बोल इसकी बोल रख वहां, ये तो फिर कुत्ते ही रहेगा बस नीचे फिर दे डोली को दे दे, ये बोल दे ना डोली से ले लेती है। चलो अब नीचे चले, निकाल भी नहीं रहा, चल तू आगे बाहर तक आ जा, सुसु आए तो चल जल्दी। अरे नहीं ये बहुत जिद्दी है भाई डोली, नहीं इसको ला मत, इसकी जिद्दी मत पूरी कर, हम जाएंगे ही नहीं नीचे ऐसे, पहले अपनी बोल रख, इसको रख के जा, रख के आई से देगा ही नहीं, ये दे ही नहीं रहा है इसको पागल सा, जल्दी
तुझे, फिर हम जा रहे हैं, बाय रुन बाय। अब चल 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 चल। अभी हम रोहन को घुमा कर आए, नीचे कोई बारिश नहीं हो रही, रुक चुकी है, थोड़ी थोड़ी हुई थी बूंदा बांदी, तो मम्मी को लेके जा रहे हैं। चलो चलो फिर से चले, मैंने फिर से बैग वैग उठा लिया, आ जा। अरे यार वो लेने देना मुझे, उधर सामान ले जाना था थोड़ा सा, बिस्किट कुछ खाने का। चलो उधर ही, हाँ हम उधर ही चलते साथ के साथ, यहीं पे ही है ना। हाँ ये ले लेते हैं, वो उठाओ बास्केट उठाओ, उसमें डाल दे सब। पेठा पुठा लेना है, पेठा मीठा पेठा। बारिश वगैरह तो आई नहीं है और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है ना एकदम से। बूंदाबांदी आई थी एक सेकंड की बस थोड़ी सी, ये तो सही है, हम जाके सामान भी ले आए, नहीं तो यही होता कि हाँ बारिश के चक्कर में बैठे रहते, कुछ लेके भी ना आ पाते थे हम। तो अभी बस बनाए गए रोन का खाना, और आज हमारा रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हमने खाने में बनाई है येलो वाली दाल और चावल साथ में, और खीरा और टमाटर भी काट लिया। टमाटर महंगा है, टमाटर क्यों काटा? अरे वो वाला टमाटर मैंने मतलब इसलिए काट लिया, मैंने कहा कि खराब ना हो जाए बड़े बड़े, तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं, तो मैंने इसलिए टमाटर भी काट दिया। ये रहा खाना, हो चुका है रेडी, अब जल्दी जल्दी खाते हैं, भूख लग रही है मुझे जल्दी। हाँ उबला हुआ है दूध, तुम क्या कर रही है? निकाल के एक बारी क्या बना रही तनु? मैं क्या कर रही है देख, सारा कुछ तो रहा है मुझे कि क्या कर रही है, पर पता नहीं बना रही है यार। तो इतने दिन से पोहा पोहा कर रही है, मैंने कहा बना ही देती हूं आज इसको फिर से। अच्छा एक मिनट बता, तो दूध निकाल के देती हूं। पोहा बना रही है तू? यस ये देखो। अरे अभी मैं गिर जाती, मैंने कहा इतने दिन से तू मांग रही है। और रोन की रोटी भी बना दी तूने? हमारे में पता क्या, डोली को बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे ना मसाला ओट्स पसंद है जो घर के ही बनाते हैं, वाइट ओट्स को ही, प्लेन ओट्स को, जो मैंने पहले भी बना के खिलाए थे तुझे। हाँ, और इससे तो पहले भी मैंने बना के खिलाया। हाँ, मुझे वो ज्यादा पसंद है, पर और मुझे पोहा पसंद है। और फिर हम क्या करते हैं, मैं ये मेरे को तो बना देते हैं, फिर मैंने कहा चलो मैं भी बना देती हूँ इसको, बेचारी को बिचारी को इसको मेरे हाथ का ज्यादा पसंद है, इसको अपने हाथ का पसंद ही नहीं है। अरे मुझसे अब अच्छा नहीं बनता, मैंने उस दिन देख लिया, मैंने उस दिन पोहा सीखा तुझसे ही है पोहा बनाना, तूने सीखा मुझसे, बट मैं भी भूल गई हूँ कैसे बनता है, मुझे तुझसे सीखा है। मैंने उस दिन बनाया था, मुझे ऐसा लगा मैं ओट्स खा रही हूँ, पर मुझे मसाला ओट्स से ज्यादा अच्छी लगती है, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बट वो मुझे नमकीन नमकीन ज्यादा लगता है ना, जैसे चटपटा टाइप है ना, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी अच्छा होता है, ये तो बहुत नहीं मुझे भी। ये तूने सारी वेजेस काट के रख ली पहले ही? अब हम ना वैसे भी काट के रख देंगे वेजेस को, खराब नहीं होती, हम काट के ना एक डब्बे में रख देंगे। हाँ। फिर ना पता क्या रहता है, जल्दी जल्दी जैसे उठा ली और बना लिया फटाफट ना, जब भी मन करा अपना दो एक छोटा सा प्याज ही डालते हैं क्योंकि इसमें फिर, हाँ और फिर हम फटाफट ना बना लिया करेंगे, और हम बिल्कुल एक छोटा सा टमाटर डालते हैं, हम टमाटर जब महंगे हुए बिल्कुल, और अब हम ना कम ही डालते हैं पता है, पहले तो हम डालते थे, पहले हम टमाटर डालते थे, अब हम नॉर्मल डालते हैं। टमाटर नींबू है घर पे? हाँ नींबू है, तो बड़े लेकर तो आए थे, ठीक है नींबू ही डालती हूँ ठीक है। और प्याज वो उसके लिए, किसके लिए? उसके लिए। हाँ ये देखना, ये तूने कहीं ज्यादा काटे हुए कम है? मेरे को तो नॉर्मल ही लग नॉर्मल लग रहे, ठीक है उसके लिए भी काट लूंगी मैं, मैं काट दूंगी, ये तूने काट लिया, तू काटने का एक छोटा सा काट दे ठीक है, ठीक है। और इसमें एक बार आके अब तू दूध डाल और रोशु को रोटी दे, रोटी ठंडी करके दे, वो काल करते ही क्या, कल ही तो डब्बी घूम रही थी इधर। हाँ तो उधर सामने थोड़ी रखती हूँ मैं, कड़ी पत्ते है यार उसके बिना तो टेस्ट नहीं आता। क्या हम पत्ते ना हम घूमने जाते हैं नीचे, और ना थोड़े थोड़े तोड़ के आ जाते हैं हम लोग ना नीचे से ही, और हमने यहाँ पे स्टोर करके रख लिए। पहले हम क्या करते थे, पहले हम ले लेकर आते थे और बड़े बड़े खराब हो जाते थे सारे, और अब तो हम इन बिल्कुल फ्रेश तोड़ देना, तो इसको डब्बे में बॉक्स कर मतलब स्टोर करके रख लो, तोड़ के आए नीचे से और फिर रख दिए आराम से, ऐसे कैसे फ्रेश पड़े हैं। इसमें तो दाल ही लेते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं कड़ी पत्ते है ना। हाँ इसमें तो अच्छे लगते हैं। और सुन मैं ये सोच रही थी, अभी आज तो हमने इसमें बना लिया
नेक्स्ट टाइम से ना ओलिव ऑयल है ना जो पड़ा है, हाँ, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। उसमें बनाएंगे, उसमें बहुत टेस्टी बनता है तो। हाँ ठीक पहले मैंने बनाया होगा हाथ से शायद। ठीक है ओलिव ऑयल यही शोर आ रहा है यार ये बाहर से ना, बस वही शोर आना शुरू हो जाता है, काम चल रहा है ना इसलिए। अरे इसको फोन करके एक बार फिर से याद दिला, उस दिन मैंने फोटो भी भेज दी उनको ना, फिर भेजा नहीं मैंने, बोला ना उनको, उनको भूल गई मेरे ख्याल से, तो उनको ना दोबारा से कॉल करती हूँ आज एक बार। ठीक है आज ही करती हूँ, करवा दो ये ठीक है। यस कर लो ये पहुंच गई थी ठीक ना, अब तक चल जाते हैं सारे काम से। ठीक है मैं उनको बोल दूंगी अभी थोड़ी देर में ना, फोन कर दूंगी फिर बता दूंगी। अच्छा ना रोज रोज की जो हां राई डाल दी, यहाँ पे राई डाल दी, प्याज कम भी डालूंगी ज्यादा नहीं डालूंगी। हाँ वो तो ज्यादा लग भी देती मुझे कि हाँ थोड़े से है तो, यहाँ पर फटाफट बना देती हूँ। और तू इधर चाय में पानी डाल, दूध डाल, चाय में दूध डाल देती। सो यहाँ पे पोहा हो चुका है रेडी और डोली डाल रही है चाय वाय, अभी हम खाते हैं पोहा। और नींबू डाल दिया ना तूने ऊपर से प्याज में, प्याज में नींबू नहीं डाला तूने। और वो वाली भुजिया है, भुजिया शायद नहीं है हमारे पास, नहीं है नहीं। चलो कोई नहीं ऐसी, ये वाली डालनी है। कौन सी? वो वाली बस पता नहीं। नो वे, ये तो टेस्ट ही खत्म कर देगी सारा। बस नींबू मैंने डाला हुआ यार पोहे में, कम डालना था तूने, ज्यादा डाल दिया। चलो अभी हम लोग ये खाते हैं आपसे।